हार्दिक स्वागत है आज के श्री प्रभुपाद जी के व्यास पूजा महोत्सव में, और विशेष रूप से हम स्वागत करते हैं उषा भारद्वाज माता जी का। हरि हरि बोल। तो अभी हम लोग श्री प्रभुपाद जी का गुणगान करेंगे। 12:30 बजे आरती होगी भगवान की और प्रभुपाद जी की पूजा होगी, तो उससे पहले लगभग 40 मिनट हैं हमारे पास, तो हम लोग श्री प्रभुपाद जी का गुणगान करेंगे। तो लगभग 10-12 नाम है हमारे पास, तो सभी भक्तों से निवेदन है कि 2 मिनट हर किसी को समय दिया गया है, तो कृपा करके 2 मिनट के लिए सभी भक्तों को गुणगान कीजिएगा। अपने हृदय के भाव को 2 मिनट में समेट करके प्रकट कीजिएगा, और उसके बाद फिर अगले भक्त को अवसर दीजिएगा। तो अभी हम शुरू करेंगे प्रभुपाद जी का गुणगान करना। रामानंद चंद्र को आप 2 मिनट टाइम नोट कर सकते हैं। तो रामानंद चंद्र प्रभु नोट करेंगे टाइम, और जैसे ही 2 मिनट समय होगा वैसे ही वो करताल बजा देंगे। तो जब करताल बजेगा तो आप लोग समझ जाइएगा कि समय समाप्त हो गया है, तो उसके बाद आप लोग गुणगान कीजिए। श्री प्रभुपाद की, श्री प्रभुपाद व्यास पूजा महामहोत्सव की। तो सबसे पहले हम आमंत्रित करेंगे इस देश अजीत बराम प्रभु जी को। अजीत बराम प्रभु से शुरू करेंगे, और उसके बाद फिर 2-3 माताओं का भी नाम है, 4 माताओं का नाम है, जो माता है एक प्रभु जी और एक माता जी, एक एक करके प्रभुपाद जी का गुणगान करेंगे। ठीक है, फिर प्रभु जी आ रहे थोड़ी देर में, तो मैं प्रारंभ करता हूँ। नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश धारिणे। श्री प्रभुपाद की जय। तो श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी अपने भजन में लिखते हैं, ये मन दुर्मति संसार भीतर बढ़िया आसीनो हम। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी भगवान से प्रार्थना करते हैं, श्री गौर निताई के सामने प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, मैं तो इस संसार में गिरा हुआ था, अपने मन और बुद्धि के प्रभाव में, दुष्प्रभाव में आकर के मैं इस संसार में सड़ रहा था, और उस समय आपने मुझ पर कृपा करके अपने पार्षद को मेरे पास भेजा। तव निज जना कौनो महाजना पठाई आदि लेते हुए आपने भेजा अपने एक निजन को, अपने पार्षद को, और फिर मैं तो उन पार्षद के पास नहीं गया, वो पार्षद जो आपके हैं वही मेरे पास आए, और वो आकर के मेरे पास बोले, एहो दीन जना सुनो भालो कथा उलसित हवे हिया। वो बोले कि सुनो, आपको मैं बहुत अच्छी बात बताता हूँ, यार सुनोगे तो आप प्रसन्न हो जाओगे। भगवान के जो पार्षद आते हैं तो क्या बताते हैं किसी बद्ध जीव को जो इस संसार में फंसा हुआ है। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी लिखते हैं कि वो आकर के मुझसे बोले, तोमार तारिते श्री कृष्ण चैतन्य नवद्वीपे अवतार तुम्हारे नो को तो नहीं ना जाने कोरिए ना भव पारा। तो आपके पार्षद आकर के और मुझे बताए कि तुम्हारा उद्धार करने के लिए चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए हैं नवद्वीप धाम में, और तुम जैसे कितने लोगों का वो उद्धार कर दिए हैं, और वो अकेले नहीं हैं, उनके साथ उनका एक अवधूत भाई नित्यानंद प्रभु भी घूम रहे हैं उनके साथ साथ, और दोनों मिलकर नदिया में बद्ध जीवों का उद्धार कर रहे हैं। तो इसलिए हे बद्ध जीव, तुम जाओ और गौर निताई की शरण लो, उससे तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो हमारे जीवन में श्री प्रभुपाद जी वो भगवान के महान पार्षद हैं, जो कि आकर के हमें बताएं कि गौर निताई कौन है, और पूरे ब्रह्मांड की जो सबसे महंगी चीज है वो उपहार में दिया इस संसार के बद्ध जीवों को, सबको बांट दिया फ्री में। भौतिक जगत के सबसे पतितम अवस्था से लेकर के और आध्यात्मिक जीवन के सबसे उच्चतम सिद्धि तक पहुंचाने के लिए जो चाहिए वो प्रभुपाद जी ने हमें दे दिया। तो आज के दिन हम प्रभुपाद जी से ही प्रार्थना करते हैं कि हम प्रभुपाद जी के दिए हुए इस उपहार का मूल्य पहचान पाए कि कितनी महंगी चीज है। जैसे छोटा बच्चा होता है, उसको अगर 2000 का नोट दे दिया जाए तो वो उसकी कीमत नहीं जानता है, और कोई अगर दुकानदार होगा वो चॉकलेट देगा या टॉफ़ी देगा तो उसके चक्कर में वो 2000 का नोट फेंक देगा। छोटा बच्चा वो टॉफ़ी लेगा और 2000 का नोट बदले में दे देगा, क्योंकि उसको पता नहीं है कि वो 2000 का नोट की कीमत क्या है। तो उसी प्रकार से हम लोग को श्री प्रभुपाद जी ने बहुत महंगा उपहार दिया है, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों में प्रेम दिया है, और हम लोग इसकी कीमत नहीं जानते हैं, और माया छोटे छोटे टॉफियाँ दे करके हमें हमारे उस भक्ति के उपहार को ले लेती है, छोटा छोटा लालच देती है, भौतिक जगत के सुख का प्रलोभन देती है और उस उपहार को ले लेती है जो कि प्रभुपाद जी ने हमें दिया है। तो हमें प्रभुपाद जी से ही प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभुपाद जी हमें शक्ति प्रदान करें
कि हम लोग इस भौतिक जगत के माया द्वारा बनाए गए प्रलोभनों से बच सकें और भक्ति की महिमा को जानते हुए हमेशा श्री प्रभुपाद जी के चरण कमलों की सेवा करते रहें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय। श्री प्रभुपाद व्यास पूजा महामहोत्सव की जय। तो मैं निवेदन करूँगा अजीत द्वारा, तो जब भी कोई भक्त आएंगे तो आप लोग ताली बजा करके स्वागत कीजिएगा। श्रीपाद की जय। कृष्णाय श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नमस्ते। सारस्वती देवे गौरवाणी विचारण निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश। हरे कृष्ण। तो मैं अपने आपको बहुत ही भाग्यशाली समझता हूँ, मुझे प्रभुपाद का गुणगान करने का आपके सामने कुछ मौका मिल रहा। मैं बेसिकली दो चीज़ें बताऊँगा। सबसे पहले तो जब भक्ति देवी का जो जन्म हुआ था, ये आता है भागवत माध्यम में, भक्ति देवी का जन्म हुआ था साउथ इंडिया द्रविड़ देश, वहाँ से भक्ति देवी महाराष्ट्र पहुँची तो जवान हो गए, फिर आगे जाके गुजरात पहुँची, वहाँ पे भी ठीक थी। जैसी राजस्थान में आई, राजस्थान होते होते यूपी में आ गई तो बूढ़ी हो गई। उसके उसके दो दो पुत्र थे, ज्ञान और वैराग्य, वो भी बूढ़े हो। लेकिन जैसे ही भक्ति देवी वृंदावन पहुंची, उनको कौन मिले? नारद मुनि मिले। और वहां पे भक्ति देवी तो जवान हो गई वृंदावन की महिमा से, लेकिन ज्ञान और वैराग्य दोनों क्या हुए? वो बूढ़े रहे। तो भक्ति देवी नारद मुनि से बहुत विनती करती है कि कुछ करिए, क्योंकि अभी वृंदावन की कृपा से तो मैं हो गया, लेकिन किस प्रकार से मैं बाहर रहूंगी तो मैं फिर से जवान और शक्तिशाली रहूँ। तो श्री नारद मुनि क्या बोलते हैं? नारद मुनि कहते हैं कि आपको जाके क्या करना चाहिए? श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना चाहिए। और फिर वो कहते हैं कि भक्ति देवी आप घबराइए मत, मैं नारद भक्ति का अवतार, भक्ति का प्रचारक के अवतार है नारद मुनि, तो मैं नारद क्या करूँगा, तुम्हें हर घर में कलयुग में स्थापित करूँगा। और प्रभुपाद के माध्यम से नारद मुनि ने क्या किया, उस भागवतम को और प्रभुपाद के माध्यम से भक्ति को, हरि कीर्तन को पूरे के पूरे विश्व में फैलाया। और सबसे बड़ी बात यह है, प्रभुपाद इसे जानते थे, और जब भी प्रभुपाद मेंशन करते थे कि वी आर फॉलोअर्स ऑफ नारद मुनि, बड़े प्राउडली बोलते थे प्रभुपाद। प्रभुपाद को बहुत अच्छा लगता था कि वो नारद मुनि के अनुयायी हैं, तो हम लोग भी नारद मुनि के अनुयायी हैं। तो हमें अगर प्रभुपाद ने जो दिया है उसको अगर हम लोग सच में वैल्यू करते हैं और हम लोग चाहते हैं कि इस आंदोलन को आगे बढ़ाएं, तो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो क्या है? प्रभुपाद के पुस्तकों को अच्छे से पढ़ें और एज इट इज आगे। प्रभुपाद कहते थे कि मैंने कोई ऐसा कोई बड़ी बात नहीं की, मैंने जो अपने गुरु महाराज से सुना है वही आगे दिया। ठीक है, तो सबसे निवेदन है कि जो भी आप, क्योंकि आप लोग अभी प्रभुपाद जी के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, तो आप लोग जो भी बोलेंगे लोग फॉलो करेंगे, लोग मानेंगे, तो आपको क्या करना है? एज इट इज जैसे प्रभुपाद ने बोला है उसी को दोहराना। तो इससे क्या होगा, जो करंट है जो भगवान श्री कृष्ण से आ रहा है, हाँ, प्रेम की गंगा, वो क्या कहेगी? आगे भी बढ़ेगी। ठीक है, तो आप सबसे यही निवेदन है। और आज बहुत ही पावन दिवस है, मैं प्रभुपाद के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि प्रभुपाद हमें अपने पुस्तकों का और अपने आशीर्वाद दें, ताकि हम लोग भक्ति में, मैं भक्ति में प्रगति करूँ और इस मनुष्य जीवन को सार्थक। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की। हरे कृष्ण। तो हम इन्वाइट करना चाहेंगे हरे संतरंगा माधवी माता जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसके बाद देव तैयार रहेंगे, इसलिए सर्वज्ञ दामोदर प्रभु, हर ग्रेस मायापुर लीला माता जी और हर ग्रेस अति प्रिय विष्णु प्रभु। तो आप लोग तैयार रहिएगा ताकि समय कम लगे आने जाने में।
कृष्णा नमो विष्णु पदाय कृष्ण कृष्णाय भूतभूषणपत्ति वेदांत स्वामी भक्ति नामी नमस्ते सरस्वती देवी गौरभागी प्रजा हिंदी विशेष सुमेरादि शाकर देश नानी जगतगुरु शिल प्रभुपाद की जय। बहुत फॉर्चुनेट हूँ जो मैं आज प्रभुपाद के बारे में दो शब्द बोलूँगी। सीनियर वैष्णव की कृपा है जो मैं कुछ बोल पा रही हूँ, आदिवास योग्यता नहीं है मेरी। प्रभुपाद के लिए हम जितना बोले उतना कम है। हम सब जानते हैं प्रभुपाद ने हम सबके जीवन को चेंज किया है। एक इंसिडेंट प्रभुपाद का अक्सर याद करती रहती है तो शेयर करना चाहूँगी आप लोगों से। एक बार प्रभुपाद प्रसाद पा रहे थे और पूरी पा रहे थे तो वो पूरी अच्छी बन के नहीं आ रही थी ना। प्रभुपाद ने पूछा कौन बना रहा है ये, तो प्रभुपाद के डिसाइपल ने बताया कि ये प्रभुजी बना रहे। तो प्रभुपाद किचन में गए और उनको बोला लाओ मैं बनाऊँ। तो उन्होंने प्रभुपाद ने बोला ये पूरी कैसे बना रहे हो, तो बोले प्रभुपाद आटा अच्छा नहीं है, बैट आटा है ये। तो प्रभुपाद बोले लाओ तुम हटो मैं करता हूँ। तो प्रभुपाद ने इसी आटे से बहुत सुंदर सुंदर पूरी फुली फुली पूरी निकाली। तो प्रभुपाद ने कही कि हाँ कि एक्चुअली हम सब बैट आटा हैं, है ना। हम सब मैं अपने बारे में बोलूँगी, मैं बैड आटा हूँ। प्रभुपाद कहते हैं मैं जानता हूँ कि बैड आटे से पूड़ी कैसे बनाई जाती है। क्योंकि जब प्रभुपाद के डिसाइपल ने पूछा कि प्रभुपाद ये कैसे हो गया, अभी तक तो पूड़ी अच्छी नहीं बन रही थी, बैड आटा था। तो प्रभुपाद को ये रिप्लाई था कि मैं जानता हूँ कि बैड आटे से अच्छी पूड़ी कैसे बनाई जाती है। तो मैं इस भौतिक संसार में हूँ, बहुत कमियाँ हैं मेरे अंदर, बहुत ज़्यादा, लेकिन प्रभुपाद के आश्रय में है, प्रभुपाद के शेल्टर में है। तो ये विश्वास है, हमारा सामर्थ्य नहीं है, मेरा सामर्थ्य नहीं है, लेकिन प्रभुपाद का सामर्थ्य है जो हमें भगवान के शरण में लेके जा सकते हैं। मैं जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। नमो विष्णु पदाय कृष्ण पुष्टाय भद्रे श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी के नाम में नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणी देवशेष शून्यवादि पाश्चात्यदेश हरे कृष्ण। तो आज बहुत ही पावन दिवस है हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य और सही मायने में जगत गुरु कहलाने योग्य जो है शील प्रभुपाद, उनका आज प्राकट्य दिवस है, आविर्भाव दिवस है। तो शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद की कृपा से हम सभी यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, एकत्रित हैं। शील प्रभुपाद की कृपा से हमें ये भव्य मंदिर जहाँ पे हम भक्ति के अंगों का पालन कर सकते हैं, विश्व के हर किनारे पे हर कोने में जगह जगह हम इस कौन के मंदिर पा सकते हैं, वहाँ भक्ति के अंगों का पालन कर सकते हैं, अपने मनुष्य जीवन के जो सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं इस कौन के माध्यम से। और ये इस कौन किसकी देन है, शील प्रभुपाद की। तो भागवतम की शुरुआत में जब भागवतम शुरू होती है तो शौनक आदि ऋषि सूत गोस्वामी से पूछते हैं कि 6 प्रश्न पूछते हैं और उन प्रश्नों में भागवतम शुरू होती है। भागवतम का पूरा सार जो है वो 6 प्रश्नों के उत्तर देने में निकलता है। तो पहला प्रश्न पूछते हैं वो क्या चीज़ है जिससे जीवात्मा जो है अपने हृदय में संतुष्टि का अनुभव कर सकती है। तो इसके उत्तर में सूत गोस्वामी जो बताते हैं क्या बताते हैं ये तो भक्तिर अधोक्षज अहितु की अप्रतीता ये आत्मा सुप्रसिद्धि। क्या बताते हैं कि जो भगवान अधोक्षज की भक्ति करते हैं अहितु की भाव से, बिना किसी हेतु के, बिना किसी लालच के, और क्या अप्रतीयता निरंतर करते रहें, वो क्या होगा उनके हृदय में कैसा संतुष्टि महसूस करेंगे, सदैव संतुष्टि का अनुभव करेंगे। और आगे फिर सूत गोस्वामी बताते हैं देखिए इस जगत में भगवान के नाम का महिमा बहुत है कि भगवान आपन्ना संस्मृतां भुवनम् ये नाम दोषोग्रहण है ना। अगर कोई विवशता से भी और अस्मात भगवान का नाम लेता है तो क्या होता है, ततो सत्यो विमुच्यते, उसका तुरंत क्या हो जाता है पापों से और भय से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तो एक तो भगवान के नाम और दूसरा क्या, दूसरा भक्तों के गुणगान कहते हैं, क्या करते हैं, यद पाद समाश्रया सूत मुनया प्रशमानया सत्य पुनंतिम सृष्टा सुर ध्वनि आप अनुसेवया। कि आप सभी गंगा के किनारे गए हैं, कभी गंगा में स्नान करने गए, कितने लोग गए हैं,
गए सब ठीक है, तो हो सकता है गंगा हरिद्वार में, गंगा हरिद्वार जाना पड़ेगा आपको। लेकिन सूत गोस्वामी कहते हैं एक बहुत विचित्र बात कहते हैं कि जो अफेक्ट, जो परिणाम आपको गंगा में स्नान करने से प्राप्त होगा, और कैसे काफी दिनों तक गंगा में क्या करोगे, स्नान करोगे तब आपकी शुद्धि होगी, वो केवल आप अगर भगवान के शुद्ध भक्तों का स्मरण कर लेते हो जो कि भगवान के चरणों के समीप है, तो वो ही परिणाम आपको प्राप्त होगा। और ऐसे शुद्ध भक्त कौन है, हमारे जगत गुरु शीला प्रभुपाद। शीला प्रभुपाद की जय। तो शीला प्रभुपाद का स्मरण करने मात्र से, और जितने भी आचार्य हैं उनका केवल स्मरण करने मात्र से क्या होगा, आप सभी क्या हो जाएंगे, हम सभी शुद्ध हो जाएंगे और भक्ति में आगे अग्रसर करते हो जाएंगे। ठीक है, तो हम सबका बहुत सौभाग्य है कि ऐसे शुद्ध भक्तों का जो है हम आविर्भाव बना रहे हैं, और विभिन्न प्रकार के से हमें क्या करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि श्रील प्रभुपाद को प्रसन्न करें। अपना जीवन क्या करना चाहिए, श्रील प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए लगाना चाहिए, क्योंकि अगर भगवान को प्रसन्न, कैसे आप जानेंगे कि भगवान प्रसन्न है, भगवान तब प्रसन्न होंगे जब भगवान की प्रतिनिधि प्रसन्न होंगे। भगवान की प्रतिनिधि कौन है, उनके शुद्ध भक्त। श्रील प्रभुपाद प्रसन्न है तो कौन प्रसन्न है, भगवान प्रसन्न, और भगवान प्रसन्न है तो कौन प्रसन्न है, क्या होगा, हमारा जीवन फूल की तरह खिल जाएगा और हमारा जीवन सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रभु जी। अब हम आमंत्रित करेंगे हरदेश माया को, लीला माता जी को, इसके बाद हृदय अतिप्रिय विष्णु प्रभु, हृदय जगत कीर्ति कान प्रभु, और हृदय सरोज मुखी चंपा माता जी। तो आपको तैयार रहिएगा, हरे कृष्णा, शीला प्रभुपाद जी की जय। वैसे मैं इस लाइफ तो नहीं हुई प्रभुपाद जी के लिए कुछ बोल सकूं, बट फॉर द प्लेजर ऑफ प्रभुपाद जी, गुरु महाराज और वैष्णव, कुछ बोलने का प्रयास करूंगी, अगर कुछ त्रुटि हो जाए तो क्षमा कीजिए। प्रभुपाद जी की एक बात मुझे बहुत टच करती है, जो उन्होंने भक्तों के साथ अपना लविंग रिलेशनशिप दिया, इस पर भक्त अपना सर्वोच्च निसावर करने के लिए तैयार हैं। मेरे को प्रभुपाद जी के साथ एक इंसिडेंट याद आता है, पास्ट टाइम है, जब हरीशवारी प्रभु जी प्रभुपाद जी के साथ मसाज की सेवा में थे, तो एक दिन एक भक्त का लेटर आया, वो ऑलरेडी मैरिड था। प्रभुपाद से पूछा, कैन आई टेक डिवोर्स एंड रीमैरी? प्रभुपाद जी ने बोला, ठीक है, कर सकते हो। हरीशवाणी प्रभु जी सोच रहे थे कि ऐसा क्यों, लेकिन वो ये भी जानते थे कि प्रभुपाद जी अपने भक्तों के दिल की बात गहराई से जानते हैं, तो जो उन्होंने किया ठीक किया। इसके बाद हरीशवाणी प्रभु जी सोने चले गए, उन्हें नींद नहीं आई, और इमीडिएट प्रभुपाद जी के पास भागे भागे आए। प्रभुपाद जी ने देखते ही कहा, ठीक है, मैं जानता हूँ, अगर मैं मना करता तो भी उन्होंने ये करना था, तब उनका डाउनफॉल हो जाता जो मैं नहीं चाहता था। यह सुनकर हरीशवाली प्रभु जी के मन में इतना, मतलब प्रभुपाद जी के साथ क्लोज रिलेशन बना, और वो समझ गए कि प्रभुपाद जी भक्तों के लिए बहुत ही दयालुता का भाव रखते हैं और लविंग रिलेशनशिप रखते हैं। इसी बेस पर सारे संसार में इतने बड़े बड़े इस्कॉन टेम्पल खड़े हैं, प्रीचिंग मूवमेंट चल रहा है, प्रभुपाद जी ने हार्ट टू हार्ट ट्रांसफर किया है। अब प्रभुपाद जी ने इतना लव दिया कि सभी भक्त अपने आप ट्रांसफर। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, शिला प्रभुपाद की नमे। ओम विष्णु पादाय कृष्णेशाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी की नाम लो। नमस्ते सदापुल देव गौर वाले विचार में मेरी से सुनने वाले पाशा कर। शिला प्रभुपाद के बारे में मेरी कोई योग्यता नहीं है कि मैं उनके बारे में बोलूं, लेकिन शिला प्रभुपाद का मैसेज उनकी बुक्स के द्वारा, उनके लेक्चर्स के द्वारा बहुत क्लियर होता था, बहुत सिंपल होता था। और मॉर्निंग वॉक जब वो प्रभुपाद जाया करते थे सी बीच में, तो वहाँ भी वो बहुत अच्छा अच्छा मैसेज देते थे। एक इंस्टेंस है कि जहाँ शिला प्रभुपाद मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे थे, तो प्रभुपाद ने देखा कि समुद्र है, सी है, और एक मेंढक है वहाँ पर। तो उन्होंने अपने शिष्य को बोला कि आप मेंढक को पकड़ के आओ।
तुम पता नहीं कहते मेढक को पकड़ने लाओ, तो आज तक तो प्रभुपाद ने ऐसा कुछ बोला नहीं है। तो गए फॉरनर थे, गए तो वापस आ गए थोड़ी देर में, दो तीन मिनट में। प्रभुपाद ने पूछा व्हाट हैपेंड, वेयर इज दैट, वेयर इज द फ्रॉग। तो प्रभुपाद आए, कुछ नॉट कैच, मैं उसको पकड़ नहीं पाया, पानी में चला गया। और भी प्रभुपाद के शिष्य थे, तो कहते इससे क्या लर्निंग मिलती है? और वो सारे सोचने लगे कि ये समुद्र है, ये फ्रॉग है, इससे क्या लर्निंग हो सकती है, सब सोचने लगे। तो प्रभुपाद ने समझाया कि ये जो सागर है ये करुणा का सागर है, ये कृष्ण का करुणा का सागर है, और जो मेढक है वो करुणा के सागर में चला गया, माया की पकड़ में नहीं आया। माया की पकड़ में आ जाता तो फिर वो साथ करुणा कृष्ण की शक्ति उसकी शरण में नहीं जा सकता। तो प्रभुपाद बहुत मैसेज, बहुत मतलब ऐसा स्टीक मैसेज देते थे कि बहुत सिंपल तरीके से ये जो सब कुछ समझ आता था। एक इंस्टेंस और है कि प्रभुपाद से किसी ने प्रश्न पूछा, जैसा कि हम भी हमारी जो क्लासेस होती है हम ये प्रश्न पूछते हैं कि हमें दूसरों में बड़े दोष दिखाई देते हैं, हम दूसरों में दोष देखते हैं चाहे वो कोई कैसा भी हो। तो किसी ने प्रभुपाद से पूछा, उनके शिष्य ने, कि प्रभुपाद हम सब में दोष देखते हैं तो क्या करें? प्रभुपाद कहते हैं फेक इट देन मेक इट। तो किसी को समझ नहीं आया प्रभुपाद का डायलॉग, तो फेक इट देन मेक इट। प्रभुपाद कहते हैं कि पहले आप जो है उनके अच्छे गुण देखो और झूठी तारीफ करो, और तारीफ करते करते आपको ये आदत पड़ जाएगी, फिर आप उनकी सच्ची तारीफ भी करोगे, ठीक है? तो प्रभुपाद ने जो आश्रय बनाया है, इतने टेम्पल बनाए हैं, हमें उस टेम्पल का, उस घर का आश्रय लेना चाहिए सबको, ठीक है? और ये आश्रय हमें क्या देगा, हम जब सेशन की हम प्रीचिंग करते हैं ये करते हैं ना कि खुशी कैसे मिलेगी, तो सबको क्या चाहिए, शांति और खुशी चाहिए ना। तो इस टेम्पल का, इस घर का जो प्रभुपाद ने बनाया है, इसका आश्रय लीजिए सारे और हमेशा खुश रहिए। शिला प्रभुपाद की जय। धन्यवाद प्रभु जी। उसके जगत कीर्तिकांत प्रभु हैं, उसके जगत कीर्तिकांत प्रभु ही बोलेंगे। इसके बाद फिर हरदेश सरोजमुखी चंपक लता माता जी, फिर इसके शिक्षक जीवन प्रभु, और हरदेश चंचला माधवी माता जी। नमो विष्णु पदाय कृष्ण विष्णु भूत श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी ज्ञान नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी ब्रह्मचारी निर्विशेष इंद्रवादी पश्चात देवी का। तो प्रभुपाद का मेरे जीवन में बहुत अधिक रोल रहा है, और प्रभुपाद की कृपा से ही मैं इस्कॉन में एंटर किया। तो एक भक्त हैं वो पुस्तकें देते थे, तो प्रभुपाद की जो पुस्तकें हैं वो बहुत ही एडमम है। जैसे ही पुस्तक प्राप्त हुई पहले तो मैं उनको बोलता था बाहर से चले जाओ, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं पढ़नी। लेकिन प्रभुपाद की पुस्तकों में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो प्रभुपाद ने एक्सप्लेन ना की। तो प्रभुपाद की पुस्तक में वो हर चीज़ है जिसमें हम आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर सकते हैं। तो जैसे उस पुस्तक को ट्रेन में एक बार पढ़ा तो मुझे लगा कि वास्तव में कि कुछ विशेष है। तो फिर मैंने बहादुर पढ़ाना शुरू किया, बहुत साल 15 साल पुरानी बात है। तो जैसे ही दर्शन किए प्रभुपाद के, तो प्रभुपाद इतने अट्रैक्टिव हैं कि वो अपने कोई आध्यात्मिकता में कोई थोड़ी सी जिज्ञासा करता है तो प्रभुपाद उसको अपनी तरफ खींच लेते हैं। तो जो एक शुद्ध भक्त है वही ऐसा कर सकता है। प्रभुपाद की जो बहुत सारी क्वालिटीज हैं मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो मैं बस यही कहूँगा कि प्रभुपाद ने सभी के जीवन को बदला है और मेरे जीवन को भी बदला है। हरे कृष्ण। सरोजमुखी चंपक लता माता जी हैं, आप लोग पहले से आ जाइए प्लीज। इसके बाद ऋषभ जीवन प्रभु जी, और इसके बाद फिर चंचली माँ चंचला माधवा माता जी कहाँ पे हैं, आप लोग प्लीज आगे आइए, इतना लेट हो रहा है। हरे कृष्ण। नमो विष्णु पादाय कृष्ण दुष्टाय पुत्री श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी नामिनी नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारी जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद जी के बारे में कुछ कहा जाए कि मेरी योग्यता नहीं है, क्योंकि जब भी मैं प्रभुपाद जी का पूरा जीवन चरित्र पढ़ती हूँ, सब पढ़ती हूँ, तो मुझे लगता है कि हर एक्टिविटी एक अपने आप में दुकान है। इतना स्ट्रगल करना, इतनी एज में जिस एज में सब रिटायर होकर बैठ जाते हैं, और पूरे विश्व भर में इस आंदोलन को चलाना, और वो जैसे पतित और बद्ध जीव को उभारना भौतिकता से, मुझे लगता है कि
मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसा परिवार मिला जहाँ पर सब स्वार्थ रहित होकर एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, ऐसे भी सेवाएं करते हैं। तो मैं बस प्रभुपाद को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मैं इस परिवार से इसी तरह जुड़ी रहूँ और आगे बढ़ूँ और सभी वैष्णवों की कृपा भी मुझ पर बनी रहूँ। श्री प्रभुपाद की जय। नमो विष्णुपदाय कृष्णापिष्टाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी के नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश कारण जगत श्रील प्रभुपाद की। प्रभुपाद के विषय में तो जो है बोलना 2 मिनट के अंदर इम्पॉसिबल सी बात है, परंतु ठीक है, जो है आज विशेष दिन है तो प्रभुपाद के लिए मेरा ही शुद्धिकरण होगा। मैं प्रभुपाद के विषय में बोलूँगा तो प्रभुपाद को मैं ये सोच रहा था, मैं देख रहा था कि हम लोग देखा कि जब प्रभुपाद विदेश गए थे उससे पहले भी बहुत लोगों ने प्रयास किया विदेश जाने के लिए। उनसे पहले भी प्रभुपाद से पहले जो है भक्ति सिद्धांत ठाकुर के कई शिष्य विदेश गए, परंतु वो लोग वापस लौट आए। परंतु एक चीज तो मुझे इसमें देखने को मिले कि जो श्रील प्रभुपाद का जो था अपने गुरु के प्रति डेडिकेशन था। श्रील प्रभुपाद का जो था उनको अपने गुरु के वर्ड्स पे बहुत विश्वास था। उनको ये विश्वास था कि मेरे गुरु ने जो मुझे आज्ञा दी है मुझे उसको फॉलो करना है। तो हम लोग देखते हैं कि कितना डेडिकेटली जो है श्री प्रभुपाद ने अपने जीवन में अपने गुरु की आज्ञा को फॉलो किया। तो ये हम लोगों के लिए, और प्रभुपाद को सत्तर शताब्दी बोला जाता है क्योंकि आम व्यक्ति के लिए पॉसिबल नहीं है जो चीज़ प्रभुपाद ने की वो और कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। हम लोग देखते हैं कि कितने मंदिर जो है श्रील प्रभुपाद ने बनाए, कितने कितने भक्त जो है श्रील प्रभुपाद ने बनाए। और श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें जो है वो तो जैसा कि प्रभु जी ने बताया कि एकदम डेफिनेटली जो है वो सब चीज़ें हैं। तो हम लोगों को जो है अपने जीवन में प्रयास करना चाहिए कि हम लोग जो है अपने गुरु की आज्ञा का पालन करें, श्रील प्रभुपाद की जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो करें और पुस्तकों का वितरण करें। प्रभुपाद बोलते थे कि इन पुस्तकों को बांटो और पुस्तकों का वितरण करना चाहिए। प्रभुपाद बोलते हैं कि हमें प्रचार करना चाहिए, तो हमें जो है उसके लिए भी अपने जीवन को जो हमें प्रभुपाद की शरण जब हमने ग्रहण कर ली है तो उसको जो है हमें प्रभुपाद का कृतज्ञ होना चाहिए। अपनी कृतज्ञता प्रभुपाद के लिए हमें व्यक्त करनी चाहिए। कैसे हम अपनी कृतज्ञता प्रभुपाद के लिए व्यक्त करेंगे कि प्रभुपाद की आज्ञाओं का पालन करके, पुस्तकों का वितरण करके, अच्छे से प्रचार करके। तो बस ये आज के दिन जो है मैं यही प्रार्थना करूँगा श्री प्रभुपाद के चरणों में कि वो मुझ पर कृपा करें कि मैं जो है उनकी आज्ञाओं का अच्छे से पालन कर पाऊँ, उनकी जो भी आज्ञाएँ हैं उनको बहुत डेडिकेटली जो है उनको फॉलो कर सकूँ और हमेशा श्रील प्रभुपाद की शरण में रहूँ और श्रील प्रभुपाद की शरण को कभी ना छोड़ूँ और मेरा फेथ जो है श्रील प्रभुपाद के प्रति और ज़्यादा मजबूत हो। हरे कृष्णा। के बाद इसग्रेस मनोहर मुरारी प्रभु और इसग्रेस हरी रंगना। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद जी के बारे में बोलना तो मेरे ख्याल से सूर्य को दिया दिखाने के बराबर है। मतलब एट द एज ऑफ 70 जब मतलब एक इंसान अपने घर की सीढ़ियां तक नहीं चढ़ पाता तो मतलब इस एज में प्रभुपाद मतलब समुद्री यात्रा करके हमारे लिए गए, क्योंकि वो तो अपनी मुक्ति बड़े आराम से वृंदावन में रह के कर रहे थे। जैसे कि हमने भी देखा है राधा दामोदर मंदिर में प्रभुपाद जी का रूम है, वो डेली मतलब भगवान के दर्शन कर रहे थे, सब कुछ बड़ा अच्छे से चल रहा था। बट वो फिर भी मतलब इतने सारे मतलब परेशानियाँ झेल के मतलब समुद्री यात्रा करके विदेश में वहाँ प्रचार किया, बहुत स्ट्रगल किया, वो सब मतलब मुझे लगता है कि शायद हमारे लिए ही है सब कुछ। मतलब हम पति को भी उद्धार करने के लिए प्रभुपाद जी ने ये सब किया है, तो मतलब प्रभुपाद जी के बहुत 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 आभार मानती हूँ। श्री प्रभुपाद पाश्चात्य देश धर्म जय हो।
स्टोरीज सुनाने वाला। जब एक दिन प्रभुपाद जी छोटे थे, उनको बुखार हो रहा था, इसलिए उनके पापा उनको डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर ने कहा कि इसको बकरी मार के बकरी का जूस पिलाना होगा, इसलिए उनके पापा ने कहा हम ऐसा काम नहीं कर सकते। इसलिए उनके पापा भगवान जी के पास लेके गए। भगवान जी से बोले, को लिटा के बोले क्योंकि भगवान ने आपको इसको अपने पास रखना चाहिए, आपको ठीक रहना तो ठीक है, आपकी मर्जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद। हरे कृष्णा। नमो विष्णु पादाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी जी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी विशेषा शुक्रवादी पश्चात के देश श्रील प्रभुपाद। अगर प्रभुपाद ना होते तो हमारा क्या होता या मेरा क्या होता। प्रभुपाद ने हमें वो दिया जो हमें कोई दूसरा दे नहीं सकता। हम लोग अपने अपने जीवन से सब सीख सकते हैं। जो जो चीज़ें हमने सीखी प्रभुपाद ने क्या क्या दिया, सबसे पहले बात करेंगे प्योरिटी। हमने बहुत कुछ ऐसा सीखा जो प्रभुपाद ने क्या बोला, प्योरिटी इज द फोर्स। कि हम लोग इस संसार में आए पहले क्या करते थे, जब मर्जी खा लिया, जब मर्जी सो लिया। अब हमें क्या दिया कि भगवान की आरती कैसे करनी है, प्रसाद कैसे पाना है। तो प्रभुपाद बड़ा जोर देते थे प्योरिटी इज द फोर्स पे। एक बार की बात है, प्रभुपाद विदेश में प्रचार करने गए तो रात को लेट हो गए, तो भक्तों ने क्या बोला, प्रभुपाद आप किसी होटल में रुक जाइए। प्रभुपाद क्या बोलते हैं, हम मैं कभी भी होटल में नहीं रुकूंगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा होटल होता है वो एक तरह का वैशाल्य है, और अगर मैं किसी गांव में रुकूं, गांव क्या होते हैं नॉर्मल राजसी, और मैं क्या रुकूंगा अपने मंदिर में, हमारे मंदिर क्या है वैकुंठा। तो प्रभुपाद उस बात को बड़ा जोर देते थे कि हमें प्योरिटी पर ध्यान देना चाहिए। अगर प्रभुपाद ना होते तो हमारा क्या होता। आप ऐसे कौन कौन पहले ये जानता था कि भगवद गीता बात करने अलग अलग होती है, किसी को पता था? मुझे तो नहीं पता था। सारा कुछ किसने दिया हमको, प्रभुपाद ने दिया। क्या हमें पता था कि भगवान की इस तरह से दिव्य आरती होती है? हमें तो ये नहीं पता था कि भगवान कौन है। हम तो जो मंदिर मिला वही चले गए। ये सब किसने दिया, ये प्रभुपाद ने दिया। प्रभुपाद ना होते तो हमारा क्या होता। हमें कौन बताता कि भगवद गीता पढ़नी है, भागवतम पढ़नी है। प्रभुपाद एक बात तो बड़ा जोर देते थे, श्रवण और कीर्तन। अगर हम श्रवण करते रहेंगे, कीर्तन करते रहेंगे, तो एक दिन भगवान के धाम चले जाएंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नमो विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी विशेषशून्यवादिनि पाश्चात्य सितारिणि। हरे कृष्ण। प्रभुपाद की जय। तो अभी हम प्रभुपाद जी के बारे में दो मिनट बोल तो नहीं सकते, लेकिन जो प्रभुपाद जी का जो पुस्तकों में संदेश है उसके बारे में दो मिनट के लिए चर्चा करूँगा। तो प्रभुपाद जी हमारे लिए जो संदेश दे रहे थे उसमें ये है कि जो प्रभुपाद जी चाहते थे कि प्रत्येक घर में सांसारिक साहित्य ना हो कि आध्यात्मिक साहित्य हो, तो उस आध्यात्मिक साहित्य के लिए हमें क्या करना चाहिए। हमें प्रभुपाद जी ने संदेश दिया है उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। प्रभुपाद जी ने हरे कृष्णा कृष्ण भावना में मूवमेंट हमें दिया, कृष्ण भावना में रह के हम पुस्तकों का वितरण करके प्रत्येक घर में हम भगवद गीता हम पहुँचा सकते हैं। क्योंकि अगर हम मान किसी नाटक के माध्यम से अगर हम प्रभुपाद जी के मतलब भगवद गीता के बारे में बताते हैं तो वो पोस्टमोर्टम नहीं होता कि प्रत्येक घर में ही पहुंच जाए। लेकिन अगर प्रत्येक घर में भगवद गीता पहुंच जाती है, जैसे हम पुस्तक वितरण करते हैं, तो उसमें क्या है कि अगर 1% भी अगर कोई उसको पढ़ के उसका माइंड डाइवर्ट हो जाता है और वो भगवत भागवतम के बारे में जान जाता है और भगवत भगवान की शरण में चला जाता है तो वो सफल हो जाता है। प्रभुपाद जी यही चाहते हैं कि प्रत्येक भक्त का कर्तव्य है कि भगवद गीता का से जो उत्साह के साथ हमें वितरण करना चाहिए, और जिससे हम भगवान और ये जब भगवान के रूप को भगवद गीता का जो वितरण करते हैं
प्रभुपाद जी उसके विशेष कर्तव्य रहते हैं। गौर प्रभुपाद जी कहते हैं कि जैसे विशेष कर्तव्य रहते हैं वो तो वो भगवान श्री विशेष लाखों गुणा कर मिलती है उनको, जैसे हम भगवान हैं। इसलिए हमें उत्साह के साथ भगवदगीता विवरण करना चाहिए, पढ़ते प्रभुपाद जी की पुस्तकों का पढ़ना चाहिए, पहले तो स्वयं पढ़ना चाहिए फिर आगे विवरण करना ताकि उसके बारे में बता सके। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो हम आमंत्रित करेंगे श्रीमती उषा भारद्वाज माता जी को। माता जी श्री प्रभुपाद जी का गुणगान करेंगी। आपको भी जानकर खुशी होगी कि माता जी स्वयं प्रभुपाद जी से मिली हुई हैं और माता जी के हस्बैंड है गोपाल भारद्वाज प्रभु। तो गोपाल भारद्वाज जी और माता जी ये दोनों प्रभुपाद जी से मिले थे और ये जो लैंड है जिस पर कि साक्षात मदन गोपाल जी विराजमान है, ये लैंड माता जी और इनके हस्बैंड ने प्रभुपाद जी को दान किया था। और प्रभुपाद जी ने प्रोमिस किया था कि यहाँ पर मैं बहुत सुंदर मंदिर बनाऊंगा। और प्रभुपाद जी के इस वाणी को उनके प्रिय शिष्य परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी ने इतना सुंदर मंदिर बनाकर पूरा किया। हमारा सौभाग्य है माता जी हमारे बीच में, हम लोग सुनेंगे माता जी से प्रभुपाद जी। श्री गोपाल जी श्री गोपाल जी मुझे ज़्यादातर कुछ कहना नहीं है, मैं सीखना नहीं कह सकती। सुनाई देगा सुनाई देगा। मैं स्वामी प्रभुपाद के बारे में कुछ थोड़ा सा आपको बताना चाहती हूँ कि जो स्वामी प्रभुपाद थे बहुत ही सरल, बहुत ही धर्मात्मा, बहुत ही डाउन टू अर्थ, ऐसा इंसान हम लोगों ने कभी भी नहीं देखा। वो हर समय हर इंसान को इतना प्यार करते थे कि हम लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। हमें समझ ही नहीं आती थी हम करें तो क्या करें। मेरा बेटा उस समय बहुत छोटा सा था, वो कहते हैं स्वामी प्रभुपाद विल यू मेक मी भगत, अगर आप मुझे भगत बनाओगे तो कैसे बनाओगे भगत। तो वो उन्होंने बोला तू हरे कृष्णा बोलेगा, वो कहता है हाँ मैं तो रोज बोलता हूँ हरे कृष्णा। तो वो कहते तू तो पहले ही भगत है, तो मैं तो तुझे नहीं बना सकता, तू मेरे से बड़ा भगत है। इतनी हंसी आई सबको कि ये छोटा सा बच्चा, वो 3 साल का था छोटा सा, और खैर अब तो वो 52। तो स्वामी प्रभुपाद कहते थे कि हम लोगों को दिल से प्यार से भक्ति करनी चाहिए, हमें दिखावा नहीं करना चाहिए, ना हम लोगों के बीच में घमंड आना चाहिए। ये भक्ति भाव जो होता है इतनी श्रद्धा का होता है कि हर इंसान को जमीन तक लेना ले आता है, इतनी उसके अंदर शांति और शक्ति आ जाती है, वो हर इंसान को अपने प्यार से बदल देता है। और हम लोग भी ऐसे ही हैं, हम लोग भी बदल सकते हैं एक दूसरे को। हमें पहले भक्ति के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं था, ज्ञान देने वाले सिर्फ स्वामी प्रभुपाद ही हैं। उन्होंने हमें इतना ज्ञान दिया कि हमने जिंदगी में सब कुछ होता सिर्फ उनकी भक्ति के सिवा। तो इसी तरह एक दिन की बात थी, स्वामी प्रभुपाद, मैं ऑस्ट्रेलिया से हूँ बाय द वे, तो ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न में एक मंदिर बन रहा था, दैट वॉज द फर्स्ट टेम्पल इन मेलबर्न जो बन रहा था, जो कि बहुत बड़ा था, बहुत सुंदर उन्होंने बनाया। तो स्वामी प्रभुपाद कहते हैं कि जब रात हो गई, सब लोग अपने अपने कमरों में चले गए, सब सो गए, तो उस टाइम उनको रात के समय पर अभी सोने पर प्रभुपाद सोए नहीं थे, क्योंकि वो तो हर समय अपने कुछ ना कुछ लिखते रहते थे और वही ज्ञान हमें देने के लिए वो हर समय क्या रहते थे, चाहे दिन हो चाहे रात हो। रात के समय जब वो मंदिर बन गया हमारा, तो रात को उन्होंने देखा उनको आवाज़ आ रही है धीरे धीरे धीरे
जैसे पांव की चल 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 कि उन्होंने कहा अरे राधा रानी जी आई हैं। वो उठ के कहते कि मैं देखूं, तुम कहते नहीं मुझको पहले सुनना चाहिए, उनकी चंचल आवाज ही मेरे लिए बहुत ज्यादा है। तो राधा रानी जी की वो चंचल आवाज के बाद उनको दूसरी तरह की आवाज सुनाई दी, तो कहते ये तो मदन मदन गोपाल एंटिटीज का नाम उन्होंने रखा राधा वल्लभ। की जो डीटीज हैं उनका नाम है राधा वल्लभ। तो उन्होंने कहा ये तो कृष्णा जी इनकी चरणों की आवाज आ रही है। तो वो धीरे 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 उस बना हुआ है मंदिर तो वो चले गए। जो इन्होंने एंटर करा तो वो आवाज खत्म हो गई। तो उन्होंने कहा मैंने उनकी भंग कर दिया, वो रास लीला कर रहे थे, मैंने उनकी रास लीला के बीच में भंग कर दिया। तो उनको इतना दुख लगा। अगले दिन उन लोगों ने उन्होंने हमें बताया कि आज मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि मैंने इवन लॉर्ड कृष्णा राधा रानी की रास लीला को खत्म कर दिया, काश कि मैं बैठा बैठा उसको सुनता रहता। तो इसी तरह वो कहते हैं कि हम लोगों को ही इच्छा जो अंदर जागती है, चाहे वो किसी तरह की भी भक्ति हो, उस भक्ति को जल्दी जल्दी उठाना नहीं चाहिए, उसको अपने अंदर ही रखकर उसका ही मजा, उसकी ही जो तृष्णा आती है उसको अपने पास रखना चाहिए। तो जाहिर कि उसको जल्द से उभार कर रहना बाहर निकाल दिया जाए। तो इस तरह प्रभुपाद हम लोगों को छोटी छोटी शिक्षाएं दिया करते थे, तरह तरह की बातें बताकर हम लोगों को है ना खुश किया करते थे। एक दिन की बात है खाने के टाइम पर, तो खाना बन गया हर तरह का, उनको है ना कचौड़ी बहुत पसंद थी और हलवा बड़ा पसंद था। कचौड़ी और हलवा नहीं आएगा तो वो समझते थे खाना है ही। तो भगत ने कचौड़ी देने में पहले ना पूरी दे दी, तो वो कहते हैं आज कचौड़ी नहीं बनी है। वो कहते नहीं स्वामी बाप जी बनी है, मैं ला रहा हूँ। वो कहते सबसे पहले वो आनी चाहिए थी कचौड़ी, मेरे पास आनी चाहिए थी पहले, मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो वो उन्होंने बड़ा दुख प्रकट करा, उनके चरणों को छुआ, प्रभुपाद जी के लिए ना गलती हो गई आगे से नहीं होगी। उनको बड़ा शौक था जो भी चीज़ मुझे परोसी जाए वो सारी इकट्ठी ही होनी चाहिए, ये नहीं कि एक एक करकर मेरे पास आ रही है। तो इस तरह मेरे जो हम लोग खाते हैं तो हमें प्रभु का आशीर्वाद लेना होता है। तो अगर कचौड़ी बात नहीं आएगी तो मैं कैसे पूजा के बीच में पूरी तरह से और उनको अर्पण नहीं कर पाऊँगा, तो वही तो हमारा प्रसाद बन जाता है। इसी तरह हम लोग अगर कुछ खाते हैं हम लोगों को सबसे पहले भगवान को अर्पण करना चाहिए, वही अर्पण प्रसाद होकर आपके शरीर के अंदर जाता है जो आपको शक्ति देता है। वो शक्ति हम लोगों की जो भक्ति के साथ ही है वो बढ़ती है। तो मैं आप सबसे प्रार्थना करूँगी कि आप जो भी काम करें दिल से श्रद्धा से और भक्ति से करें, इसी तरह अपने प्रेम को दूसरों के साथ है ना बांट दें, सो दैट उनको भी अपना ज्ञान दें, अपनी शक्ति दें कि सो दैट वो भी धीरे धीरे अपने कुकर्मों से दूर होते हुए ऊपर उठ सके। हरे कृष्ण। माता जी का हम धन्यवाद करेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र बोल करके। हरे कृष्ण।
कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हम प्रोग्राम को कंक्लूड करने के लिए आमंत्रित करके नित्यानंद राष्ट्रीय पूजी को नमो कृष्ण बुधाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने नमस्ते सारस्वत देवे गौरवाणी विचारणे मेरे विशेष शून्यवादी पश्चात दोषिवार वांछाल पत्र उभयश्च कृपां सिंधु वेदपुरुष हृदयदाना पावन गो वैष्णवे नमो श्री प्रभुपाद की जय। श्री प्रभुपाद 126 बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेशन की जाए। सो आज जो है बहुत विशेष दिन है क्योंकि आज श्री प्रभुपाद जी का प्राकट्य दिवस है और हम सभी श्री प्रभुपाद जी के जो है शिक्षा डिसाइपल्स। श्री प्रभुपाद जी कौन है? हमारे प्री एमिनेंट शिक्षा गुरु हैं, पूर्व प्रतिष्ठित शिक्षा गुरु हैं। क्योंकि जब हमने इस्कॉन के अंदर पहली बार जो है पैर रखा या कोई भी वस्तु सीखी जानी या जो भी हम भक्ति के कोई भी कार्य कर रहे हैं वो केवल एक ही व्यक्ति के कारण है और वो कौन है? वो है हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति विदान स्वामी श्री लोकनाथ की। श्री प्रभुपाद जी एक बार वृंदावन में थे, ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं परंतु मैं एक इंस्टेंस बताता और थोड़ा सा और चर्चा करूँगा प्रभुपाद जी के बारे में। श्री प्रभुपाद जी वृंदावन में थे तो एक जो है जादूगर आया प्रभुपाद जी के पास में। आई मीन इसको जितनी बार सुनते हैं वो उतना रिलिश कर पाते हैं इस कथा को। प्रभुपाद जी मैजिशियन से मिल रहे थे तो मैजिशियन क्या कर रहा था? वो मैजिशियन कोई आइटम निकालता था, कहता था ये सेब है और फिर एकदम गायब कर देता था। फिर उसके बाद कोई केला निकालता था फिर उसको गायब कर देता था। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें कर रहा था और फिर बार बार ही पूछता था स्वामी प्रभुपाद जी क्या आप ये कर सकते हैं? प्रभुपाद जी ऐसे करते थे कि नहीं मैं नहीं कर सकता ये। प्रभुपाद जी कहते ये नहीं कर सकता, कहते मगर मैंने एक चीज करी है। वो क्या है? मैंने वो एक चीज करी है, मैंने सारे हिप्पी को हैप्पी बना दिया है। क्या तुम ये कर सकते हो? कहते मैं नहीं कर सकता। एक और इंस्टेंस में प्रभुपाद जी कहते हैं वो ऐसे छू मंत्र करता था। दूसरा एक और आया कि वो छू मंत्र कर रहा था, बार बार मैजिशियन था। कहते कि जो आप कर सकते? प्रभुपाद जी ने कहा नहीं कर सकता मगर मैं एक चीज कर सकता हूँ। प्रभुपाद जी ऐसे बोले मैं एक चीज कर सकता हूँ, मैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि को परमानेंटली खत्म करा सकता हूँ। क्या तुम कर सकते हो? वो मैजिशियन जो था जादूगर था वो हक्का बक्का रह गया, कहते मैं तो नहीं कर सकता ये। So, यहां पर श्री प्रभुपाद जी ने इस आध्यात्मिकता को अपने जीवन में उतारने का एक रास्ता प्लेटफॉर्म बना दिया हमारे लिए कि कोई भी व्यक्ति चाहे वो किसी भी जाति से है, किसी भी जो है क्रीड से है, कोई भी व्यक्ति है, छोटा है, बड़ा है, बूढ़ा है, बच्चा कोई भी है, हर किसी के लिए ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया, ऐसी चीज बना दी कि कोई सरलता से ही इसको पालन कर सकता है, भक्ति को प्रैक्टिस कर सकता है। है कि नहीं? हम सभी के जीवन में चाहे हम जो है श्री प्रभुपाद जी की पुस्तकों को जो है अभी इतना अच्छे से नहीं समझे, प्रभुपाद जी बहुत जोर देते थे कि माई डिसाइपल्स मस्ट रीड माई बुक्स, मेरे शिष्यों को मेरी पुस्तकें पढ़ना बहुत आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि जब तक हम श्री प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ते रहेंगे तब तक हम माया से बचे रहेंगे, अन्यथा माया के पास बहुत सारे हथियार हैं
उसके छोटा हथियार हो उससे ही हम जो घायल हो जाएंगे। प्रभुपाद जी कहते थे मुझे एक ही चिंता है, वो चिंता है कि मेरे भक्त मेरे शिष्य वो माया से डरते नहीं जितना हमको डरना चाहिए। तो इसलिए श्री प्रभुपाद जी का आश्रय लेने का मतलब है उनकी शिक्षाओं का पालन करना, और उनकी शिक्षा उनका भाव उनका आंदोलन ये कहाँ प्राप्त होता है, ये प्राप्त होता है हमें इस श्री प्रभुपाद जी की पुस्तकों के अंदर। इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा कि पुस्तकें ही आधार है। हम सभी को आज जो है श्री प्रभुपाद जी के प्राकट्य दिवस के ऊपर प्रभुपाद जी को वादा करना चाहिए, प्रण लेना चाहिए कि हम प्रभुपाद जी की पुस्तकों को और ध्यानता से पढ़ेंगे और स्टडी करेंगे, प्रभुपाद जी के प्रति और समर्पण भाव जो है लेकर आएंगे। प्रभुपाद जी कहते थे कि इस्कॉन इज माय बॉडी, इस्कॉन जो है मेरा शरीर है। इसलिए प्रभुपाद जी ये जरूर देखते थे कोई भी भक्त अगर इस्कॉन से बाहर जा रहा है, कहीं और से शिक्षा प्राप्त कर रहा है, कहीं गौड़िया मठ जा रहा है, कहीं और संस्था में जा रहा है, प्रभुपाद जी कहते थे मत जाओ। प्रभुपाद जी लिटरली क्राइंग फॉर देम, वो प्रभुपाद जी जो रोते थे उस भक्त के लिए कि ये भक्त चला गया अब ये कैसे वापस आएगा। अगर कोई व्यक्ति जो मायावादी गुरु के पास चला गया, अगर कोई व्यक्ति भौतिकता में लिप्त हो गया, किसी न किसी प्रकार से इस आंदोलन को छोड़कर चला गया किसी का, प्रभुपाद जी उसके लिए बहुत चिंतित होते थे। मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ आप लोगों को, आई थिंक इट वॉज इन वेस्ट। तो वहाँ पर प्रभुपाद जी एक भक्त था, प्रभुपाद जी की दया की भावना ये देखी आप इसको समझ आएगा। एक भक्त था जो कि बहुत ही प्रसिद्ध टेंपल को जो है रन कर रहा था बाहर, मैं उनका नाम भी लूंगा ना मंदिर का नाम लूंगा। तो वो भक्त जो है बहुत अच्छे से मैनेज कर रहा था, परंतु जो है कुसंगति के कारण उस भक्त को जो है कुछ ऐसा निर्देश मिला या कुछ उसको ऐसे जो है उसने संग कर लिया जिसकी वजह से उसकी बुद्धि फिर गई, और उसने क्या किया उस पूरे मंदिर को जो है वो उसको बेच दिया और जो है अपने पास में उसका पैसा जो है रख लिया। प्रभुपाद जी के पास में न्यूज मिली कि प्रभुपाद जी भक्त ने जो है ऐसे कर दिया। सो प्रभुपाद जी को जो है प्रभुपाद जी ने कहा ठीक है थोड़ा रुको मैं बताता हूँ क्या करना है। प्रभुपाद जी बहुत पेशेंटली डील करते थे हर एक केस को, बहुत इंडिविजुअली बहुत सेंसिटिवली डील करते थे। और प्रभुपाद जी ने थोड़े समय के बाद में जो है उसको किसी और मंदिर का टेम्पल प्रेसिडेंट बना दिया, किसी और मंदिर में भेज दिया, वहां से जो है उसको अध्यक्ष बना दिया। सो भक्त पूछ रहा, सेक्रेटरी पूछ रहा, प्रभुपाद जी आपने ऐसे क्यों किया, आपको तो निकाल देना चाहिए था इसको, अभी वहां जा चुके दोबारा ऐसे करेगा तो क्या करेंगे। प्रभुपाद जी ने बहुत करुणावश जो है अपने हाथ जोड़ के कहा कि ये सभी भक्त जो है वो श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए या कृष्ण की शरण में आए हैं, और किसी ना किसी प्रकार से छोटी मोटी भूल हो भी जाए तो ये क्षमा करना ये एक भक्त का स्वभाव होता है। इसलिए हमको जो है ये स्वभाव को अपने अंदर लाना चाहिए। मेरे अंदर नहीं है मगर मैं अपने गुरु की करुणा को देखता हूँ, तो उनकी करुणा को देखकर मैंने इसको क्षमा कर दिया। प्रभुपाद जी खुद अपना क्रेडिट कभी भी नहीं लेते थे। प्रभुपाद जी कहते थे आई वॉज हियरिंग दैट लेक्चर, मैं जो है एक ब्रह्मानंद प्रभु आपने सुना होगा इज वेरी हैवी बिल्ड बॉडी, ब्रह्मानंद प्रभु जो है एक ब्रह्मानंद स्वामी एंड देन ब्रह्मानंद प्रभु, तो ब्रह्मानंद प्रभु जो है बहुत ही प्रसिद्ध भक्त हैं जिनको प्रभुपाद जी ने पाकिस्तान भेजा था जाकर प्रचार करो, और बड़ी मुश्किल से बच के आए थे वहां से, प्रभुपाद जी ने गले लगा लिया था उसको। तो एक बार ही ब्रह्मानंद प्रभु कह रहे थे कि प्रभुपाद जी एक बार अपना रियलाइजेशन अपना साक्षात्कार शेयर कर रहे थे हमसे, और प्रभुपाद जी कहते कि आप सभी जो हैं बहुत भूखे हैं इस कृष्ण भक्ति को स्वीकार करने के लिए, क्योंकि आप सबको मेरे गुरु महाराज ने मेरे पास भेजा है इस संस्था को आगे बढ़ाने के लिए, इसलिए मैं आप सभी का कृतज्ञ हूँ। तो ब्रह्मानंद प्रभु ना ऐसे बोलते बोलते रो पड़े, लिटरली वाज क्राइंग, रो पड़े। प्रभुपाद जी कहते हम तो मलेच्छ थे,
ब्रह्मानंद कहते हम मलेश थे, हम तो जो है मांसाहार क्या, एलर्जी क्या, पूरा का पूरा जो है हर प्रकार के पाप कार्य करते थे, ऐसे ऐसे जघन्य कार्य करते थे जिसकी नरकों में भी जो है गति ना हो, वहां पर भी इतने कठोर से कठोर सजा मिले, ऐसे व्यक्ति को जो है प्रभुपाद जी ने बचा लिया है। ऐसे बोलते बोलते प्रभुपाद जो है वो स्पेशल एक ट्राइक है। नित्यानंद प्रभु ने एक जगह ही बधाई का उद्धार किया, श्री प्रभुपाद जी ने लाखों करोड़ों जगह बधाई का उद्धार कर रहे हैं, करा और करते रहेंगे। श्री प्रभुपाद जी को जो है हम प्रार्थना अर्पित करते हैं कि हम इसी प्रकार जो है प्रभुपाद के प्रति अपना समर्पण, अपना अपना भक्ति और अपना जो है उत्साह पूर्वक इसी प्रकार से लगे रहें, और इन्हीं उत्सवों के माध्यम से, इसी कार्यक्रमों के माध्यम से अपना समर्पण जो है बढ़ाते रहें, और शिष्यों के प्रति और अपना समर्पण बढ़ाते रहें। His divine grace is Bhakti Vedanta Swami Shri Prabhupada ki jai. Shri Prabhupada Vyas Puja Mahamahotsav ki jai. Nitai Gaura Premanande. तो अभी जो है छोटा सा आरती करेंगे और फिर उसके बाद पुष्पांजलि और फिर उसके बाद सभी के लिए महा महा फीस्ट प्रसादम की जय। सभी के लिए प्रसाद है बहुत ही विशेष, तो उसके बाद में प्रसाद हम ग्रहण करेंगे। नमो विष्णु पदाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांतम स्वामिनम। Hare Krishna,
नमस्ते नरसिंहाय खड़ा हूँ यहाँ से लेफ्ट उल्टे हाथ को आप जो है प्रभु जी को
दो दो लाइंस बना लीजिए, दो लाइंस करके जो है बना लीजिए, और माता जी लोग जो है राइट हैंड साइड पे सीधे हाथ की तरफ दो लाइंस में जो है माता जी आ जाइए। यहाँ पर जो आपको पुष्प मिल जाएंगे। परमात्मा को का ऊषा भागवत माता जी से कि वो पहले आए आगे, उनको सबसे पहले जो है जरूर दीजिएगा, ठीक है। और अभी सुनिए मेरी बात, सुनिए शिवा के प्रधाना प्रभुपाद जी के संग्रह में जो आए हैं, बात मत करिए आपस में। तो अभी हम दूसरा शब्द बोलेंगे सबसे पहले, उसके बाद से दूर अर्पण करेंगे, और फेंकना नहीं है मुझे से, किसी ने फेंकना नहीं है। शांति शांति। मेरे पीछे बोलिए मंगलाचरण और भाग्या Yeah.
भक्तम कृष्णम भक्त रूपा स्वरूपकम भक्त अवतार भक्ताख्यम नामी भक्त शक्तिकम हे कृष्ण करुणा सिंधु समर्पयामि
नमो विष्णु पादाय